हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं फ्रेंड आपके साथ में सफेद बालों को काला करने के लिए बहुत ही जबरदस्त रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत इफेक्टिव है और बहुत इंस्टेंट है आपके सफेद बालों को काला करने के लिए। तो फ्रेंड, आप भी अगर केमिकल डाई लगाकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं तो एक बार इस नेचुरल डाई को ट्राई करके देखिए। ये बहुत अच्छे से बालों को ब्लैक करने का वर्क करती है। बहुत पुराने टाइम से लोग इसे यूज़ करते हुए चले आ रहे हैं और हमने इसके रिज़ल्ट भी अपनी आँखों से देखे हैं, तो ये आपको 100% पॉजिटिव रिज़ल्ट देने वाली है। तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। और चलिए देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है हमें। इस डाई को बनाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैंने इसे बनाने के लिए आयरन की कढ़ाई ली है और 2 से 3 बड़ी चम्मच मैंने यहाँ हिना पाउडर लिया है। आप जो भी हिना पाउडर यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं, और अगर आपके पास में घर का बना हुआ हिना पाउडर है, मैंने यहाँ पर हिना की पत्तियों को सुखाकर मैंने यहाँ पर इसको ग्राइंड कर लिया है अच्छे से, तो जो घर का बना हुआ हिना पाउडर होता है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है सफ़ेद बालों को काला करने के लिए और बहुत अच्छा वर्क करता है जब आप किसी भी डाई में यूज़ करते हैं इसको। तो जहाँ तक हो आप घर का बना हुआ पाउडर ही यूज़ कीजिएगा, और अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करना है। जो मार्केट की डाई होती हैं वो बहुत ज़्यादा आपके बालों को हार्म पहुंचाती हैं, तो मार्केट की डाई से आपको दूर रहना है। आप इस नुस्खे को ट्राई कीजिए, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नुस्खा है। आपके बालों को जो समय से पहले सफ़ेद हो गए हैं या समय के बाद सफ़ेद हुए हैं, ये आपके हर तरीके के बालों के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करता है और आपके बालों को इंस्टेंटली कलर करेगा। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे बालों पर एक बार में कलर नहीं आया, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये नेचुरल चीज़ है, थोड़ा सा टाइम लेंगी बट बहुत अच्छा वर्क करेंगी, क्योंकि सभी के बालों का टेक्सचर जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, तो किसी पर ये बहुत जल्दी असर दिखाती हैं और किसी पर थोड़ा सा टाइम लेती हैं। सो आप होपफुली इसको यूज़ कीजिए और रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत लोगों ने इस डाई को ट्राई किया है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमको इसको रोस्ट करना है। ये देखिए फ्रेंड, हमारी हिना का कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है और रोस्ट हो चुकी है अच्छे से। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वो है ब्लैक कथा। ये आपको इजीली मार्केट में किसी भी ग्लॉसरी शॉप पर मिल जाएगा, और इसको हमें इस तरीके से यूज़ नहीं करना है, इसका हमें पाउडर बनाना है। तो अब हम इसका पाउडर तैयार कर लेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर ब्लैक कत्थे को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसका पाउडर तैयार कर लिया है। अब 1 बड़ा चम्मच पाउडर इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप इसमें 2 बड़े चम्मच भी ऐड कर सकते हैं, अगर बालों को ज़्यादा डार्क ब्लैक करना चाहते हैं तो। और इसके बाद में हमें यहाँ पर पानी ऐड करना है। पानी थोड़ा थोड़ा कर ही ऐड करना है, क्योंकि अगर एकदम से करेंगे तो ये हमारा बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट बन जाएगा, और हमें इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा थिक रखना है ताकि ये हमारे बालों पर अच्छे से अप्लाई हो सके। ये देखिए, इस तरीके से हमको अच्छे से पेस्ट बना लेना है इसका। ये देखिए कितना ज़्यादा ब्लैक नज़र आ रहा है, ये हमारे सफ़ेद बालों को डेफिनेटली काला करने वाला है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ना तो हमने इसमें इंडिगो पाउडर मिक्स किया है, ना ही आंवला पाउडर है, ना ही भृंगराज है, ना ही मेथी है और ना ही कलौंजी है। इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है और ये फिर भी कितना डार्क ब्लैक नज़र आ रहा है। तो ये आपके बालों को बहुत अच्छे से सफ़ेद बालों को काला करने वाला है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी रेमेडी रेडी हो गई है बनकर। ये देखिए, है ना कमाल की, जितनी कम चीज़ों के साथ में हमने इसे बनाया है उतनी ही ज़्यादा पावरफुल है ये। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडी हो जाती है उसके बाद में आप चाहें तो डायरेक्ट इसे अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो 2 घंटे के लिए इसे इसी कढ़ाई में आपको छोड़ देना है ताकि इसका अच्छा सा कलर इसमें आ जाए और आपके बालों पर भी बहुत अच्छा कलर ये दे सके। ये देखिए कितनी डार्क ब्लैक नज़र आ रही है।
ट्रेंड देख लेते हैं। इसको आपको अप्लाई कैसे करना है अपने बालों पर, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसको अप्लाई करने का तरीका सही होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं और कितनी ज़्यादा डार्क ब्लैक नज़र आ रही है ये। आपको इसे अप्लाई कैसे करना है, आपके हेयर एकदम वॉश होने चाहिए, बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए। रूट से लेकर आपको टिप तक इसे अच्छे से बालों में अप्लाई करना है और शावर कैप से कवर कर लेना है अपने बालों को। 2 घंटे तक इसे अपने बालों में लगाकर छोड़ना है आपको, और उसके बाद में आप नॉर्मल वाटर से अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। आप इसे वीक में 2 बार लगा सकते हैं और नेक्स्ट डे आपको ऑयलिंग कर ही इसमें शैम्पू करना है, डायरेक्ट शैम्पू नहीं करना है। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये 100% आपको रिज़ल्ट देगी।